हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी मैथ ऑफ क्लास सेवेंथ, लेसन वन, इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड व्हाट आर इंटीजर्स, टाइप इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड नाउ टुडे इन टुडेज क्लास वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज इन मंथ ऑफ दिसंबर। ये जो हमारी नंबर लाइन है, इसमें हमारे अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हुए हैं दिसंबर के मंथ के। सो ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी नंबर लाइन की हेल्प से हमें जो नीचे दिए हुए हमारे क्वेश्चन हैं, ये इनके हमें आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस। ये जो जगह दी हुई हैं, इनमें से सबसे ठंडी जगह कौन सी है। सो हम देखते हैं कि श्रीनगर में का जो टेम्परेचर वो है -12 डिग्री सेंटीग्रेड, मनाली में -8 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस एंड उदयपुर में 11 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस। इन जगहों में से सबसे ठंडी जगह कौन सी है। सो हम देखते हैं कि हमारा जितना ठंडा हो टेम्परेचर होता है, वो हमारा माइनस में होता है। तो जो सबसे बड़ी माइनस में सबसे बड़ी जो डिजिट होती है, वो ही हमारी सबसे ठंडी जगह होगी। तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी श्रीनगर की है, 12 है वो माइनस में। सो और कोल्डेस्ट प्लेस इज श्रीनगर। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेज। इनमें सबसे गर्म जगह कौन सी है। सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी सबसे गर्म जगह है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ मनाली एंड उदयपुर। मनाली और उदयपुर के टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो मनाली का कितना है, -8 है टेम्परेचर डिफरेंस। मनाली का -8 है और उदयपुर का है 11, और इनके बीच का डिफरेंस मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा सॉल्व किया जब हमने, तो यह हमारा आ गया -19 डिग्री सेल्सियस। बट डिफरेंस पूछा है, तो हम इसको 19 डिग्री सेल्सियस ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि -19 डिग्री सेल्सियस। तो मनाली और उदयपुर के बीच में हमारा 19 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एज यू कैन सी इज 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल एंड अ सबमरीन इज फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो सी लेवल एग्जैक्टली बिलो द प्लेन, देन फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। मतलब एक प्लेन है यह, हमारा एक समुद्र है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पे, ये प्लेन है, और हमारी एक सबमरीन जस्ट प्लेन जहां उड़ रहा है उसी के जस्ट उसी डायरेक्शन में, उसी वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट नीचे समुद्र की सतह के, सी लेवल के सतह के जस्ट नीचे 800 मीटर नीचे है, यहाँ पे आपकी सबमरीन है। आपका जो क्वेश्चन था, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, मतलब हमें प्लेन और सबमरीन इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें इन डिस्टेंस
बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन फाइंड करने के लिए हम इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में जोड़ देंगे। सो 5000 प्लस 800 इक्वल्स 5800 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट बद्रीनाथ टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड इट ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे एंड ऑन वेडनेसडे इट रेज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ में मंडे को 10 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, वेडनेसडे को फिर वो 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर उठ गया, तो हमें टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे फाइंड करना है कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वेंसडे मंडे को 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को गिर रहा है, गिरना मतलब घटना, घट रहा है, तो हमारा 3 डिग्री सेल्सियस घटा है और वेडनेसडे को रेज हो रहा है, रेज मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब प्लस हो रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा ये इक्वेशन है तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो -10 -3 हो गया हमारा -13 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 13 हो गया 8। और ऑपरेटर साइन जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटर साइन हम हमेशा बड़ी डिजिट वाले कर लेते हैं, तो बड़ी डिजिट हमारी 13, तो 13 का ऑपरेटर साइन हो गया माइनस, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे इज -8 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।